राइट, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, आप इग्नोर करो, आप हम आपके साथ हैं। इग्नोर ही तो कर रही हूँ बेटा। आपके हाथ पर क्या हुआ मैम? ये वाला, ये वो भजिया बनाने के टाइम तेल उड़ा था तो वो छाला बन गया था, तो अब थोड़ा सूख रहा है वो। कभी कश्मीर आओ आप। आऊंगी आऊंगी, अब रमजान खत्म हो जाए फिर इसके बाद थोड़ा काम धंधे में फिर ध्यान दूं, और थोड़ी दूसरी भी सोशल वर्क करूं जरा अजमेर कब आ रही हैं आप? इंशाल्लाह। उम्मीद है छुट्टी में आऊंगी। अपने कपड़े ले लिए इतने? नहीं अभी बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, अभी तक तो नहीं लिए मैंने, नए वाले बहुत सारे रखे हैं। अय्यूब अंकल आपके लायक मेरी नहीं, आप बहुत अच्छे हो। हाँ वो तो है, अभी आप ही देखो मेरा बेटे ने ये पढ़ा, वापस लाइफ आएगी, और आएगी तो अब जवाब दूंगी। ये जो फिर ये कि वैसे दिखा इतने बड़े इतना बड़ा तो वो दिख गया मेरे को। तो क्या डरता क्यों है, जो सच है, तेरी माँ कभी सच से पीछे नहीं हटती, डरने का नहीं जिंदगी में बेटा, कभी सच का सामना करने का, चाहे जितना भी कड़वा हो उसका सामना करने का जिंदगी में। देख नहीं रहा है तेरी मम्मी को किस लफ्जों में, किस, वो तो दूर है जो लोग नहीं जानते, तूने तो अपने कानों से सुना, अपने आंखों से देखा था ना सूरत में सारी चैटिंग और सारी चीजें। तो फिर ये जहर का घूंट पी के अगर तेरी माँ अभी भी खड़ी है तो फिर तू ये माँ का बेटा है बेटा। सॉरी सॉरी, चलिए पढ़िए पढ़िए। हाय, माय नेम इज शहनाज एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू, प्लीज से सलाम। शहनाज अस्सलाम वालेकुम। कम टू चेन्नई आंटी। चेन्नई? नहीं बाबा, अभी इतनी जल्दी नहीं, कितनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में कहाँ जाऊँ। अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई में अल्लाह ने खड़ा कर दिया, कहीं रास्ते में मर मर आ गई तो अधूरी रह जाएगी सब चीजें, अधूरी ख्वाहिशें। आंटी आप फाइनल डिसीजन ले लो प्लीज, लोग आपकी लड़ाई का यूट्यूब पे बहुत फायदा उठा हाँ रहे ये तो हैं। है, लोग फायदा उठा रहे हैं और कितने चैनल्स बन गए मेरे, और खास करके स्पेशल लेडीज लोग हैं, जो लेडीज की, मैंने देखा कि लेडीज ही स्पेशली लेडीज की दुश्मन है। मैं अगर कलाम पाक की तिलावत कराती हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम, मैं कलाम पाक अगर मेरे घर में मुकम्मल होता है मैं उस पर फातिहा दिलाती तो उस पर प्रॉब्लम। उसमें बता लिखा था कि ना आप सुनो या फिर पढ़ो, दोनों का एक ही सवाल, एक लोग ही कुछ भी सवाब होता बोलते है, हैं। और अगर मेरे हस्बैंड को लेके बात करती तो प्रॉब्लम, मेरे बच्चों को अगर साइड लेके बात करती तो प्रॉब्लम, मतलब तो हर बात में वीडियोस बनने हैं, है ना। और अभी आज तो आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा, मैंने तो फैसला ले लिया है जो उनको 1 2 3 करना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर वो ऑनलाइन करेंगे तो भी एक्सेप्ट, और अगर गरीब, उन्होंने बोला ना गरीब नवाज की तरह कभी दिखना नहीं, मेरे तो देखो मेरे में इतनी तमीज़ है अभी भी कि मैं अभी भी तमीज़ से बात करती हूँ, और अल्लाह मेरी मुझे ये तमीज़ में और इस मिठास में, इस ठंडाई में हमेशा बरकरार रखे। नहीं तो जो बोलते हैं ना लहजा, काफ़ी लोगों के मैसेज तो आपने देखे होंगे, व्लॉग देखेंगे, व्लॉग जो मेरी दीवी भीख से उठे हुए, जैसे मेरी, मैंने दिया था अयूब को भीख और अयूब ने दिया किसी और को भीख, है ना। तो मेरा लहजा क्या दिखाते हो, मेरा लहजा था अब नहीं है, तो मैंने बोला मुझे मजबूर मत करो, और जिस पे बीतती है ना, जिस पे बीतती है वो उसका वक्त और उसका दिल जानता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है और क्या चीज़ को फेस कर रहा है। सॉरी बोलिए अमीन पढ़ो। सीए फाइनल में हूँ आंटी, प्लीज मेरा नाम लेके दुआ करना, पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता, सीए फाइनल में हो आप, तो बस अल्लाह आपको कामयाब करे, गरीब नवाज आपको कामयाब करे, और माशाल्लाह जितनी भी हमने इबादत की है तो बस अल्लाह उसके सदके में आपको सीए में एकदम आला से आला नंबर पे आपको पास करे। दबंग हो आंटी आप, आई लव यू। दबंग? अभी कहाँ दबंगगिरी देखी आपने? ये लोगों को लगता है कि मैं मीठी मीठी बातें करती हूँ, मैं मीठी मीठी बोलती हूँ ताकि मैं चैनल्स पे अच्छी दिखूँ। मैं अल्लाह से ये मांगी हूँ और बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह के पास मांगी हूँ, अंधेरी रातों में अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के, ये जो बिहेव है ना ये मैंने मांगी हूँ अल्लाह से। और बहुत नसीब वाले होते हैं कि अल्लाह पाक जिसको ये अता कर देवे और उस पर वो मुकम्मल खड़े हो, मुकम्मल तो खड़ी नहीं हो बस कोशिश कर रही हूँ।
आई लव आंटी, आई लव यू आंटी। तुम्हारे भैया देखो, तुम्हारे अमीन भाई ना पढ़ते नहीं है, फटाफट मैसेज जा रहे। मैंने उनको पहले ही वॉर्न किया था कि आप पढ़ोगे, और देखो उनका फोन ही बंद हो गया। देखो वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रॉन्ग वुमन ब्लेस्ड विद प्योर सोल, अल्लाह ब्लेस यू फ्रॉम दुबई। ओनली यही चाहिए, अल्लाह ब्लेस ही चाहिए। और शुक्रिया, जजाकल्ला दुबई वालों को, अस्सलाम वालेकुम। खाला जी आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ, बिलासपुर सीजी जुबैर खान। हाय जुबैर, आप मेरा चैनल रोज देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो मतलब आप, और आप ऐसे जैसे दिख रहे हो मेरे बच्चों के उम्र के ही हो, तो अल्लाह बस आपको बहुत कामयाब करे। जैसे मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत कामयाब हो, उनका नाम हो, और उनकी कमाई पे उनकी मम्मी खूब खैरात करे, एकदम ऐश, ये ऐशो आराम नहीं चाहिए मुझे, बस दो, आज दो हाथ से लुटाती हूँ, मेरी दो और दो चार हाथ और है, छः हाथ से लुटाऊँ इतना मेरे बच्चे कमाए। ईद के बाद सबको पकड़ लेना मैम, गॉड ब्लेस, लव फ्रॉम कुवैत। कुवैत, अस्सलाम वालेकुम। क्या पकड़ूँ किसको, गंदगी में तुम्हारी आंटी हाथ नहीं डालती है ना, क्या उस पर कंकर फेंकती है। मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जिस दिन जो दिल चाहे वो बोलूँगी। और मुझे किसी ने लिखा कि आप दुपट्टे में बहुत अच्छे लगते हो, मैंने अभी अमीन को यही बोला कि मैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दुपट्टे पर हमेशा रहूँ, क्योंकि मैंने जब सूरत गई थी तो साड़ी पहनी थी कोलैबोरेशन के लिए, जब वहाँ पे गई थी तो अजमेरा फैशन ना, तो वहाँ पे भी साड़ी में भी मैंने जब पल्लू रखा था सर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और क्या खूबसूरती लग रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ऐसे ही मुझे हमेशा रखे और ये सर पे से दुपट्टा जल्दी हटे नहीं। ट्राइड ऑल योर रेसिपी और बहुत अच्छी है सब रेसिपी। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप मेरा चैनल नहीं देख रहे हो, और आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको पता है मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, इसीलिए वहाँ पे रेसिपी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा सा इससे फारिग हो जाओ तो मैं सारी रेसिपियाँ शेयर करना चालू कर दूँगी। और आज भी मैंने बहुत अच्छा झटपट चिकन मसाला बनाई हूँ, अलग थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन कर नहीं पाई, सॉरी। आंटी आप एक एक अकेले एक लाख के बराबर हो। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह आपकी जुबान सच करे और अल्लाह आपकी जुबान में हमेशा बरकत दे। आंटी यू आर टू गुड एंड नाइस पर्सन, आई एम पर्सनली वांट टू मीट यू, यू प्लीज डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल, लव यू आंटी। 100% आपकी बात सच है, इसीलिए मैंने काफी डिस्टेंस रखा था। और ये रही मिस्टर अयूब, और उसको सत्तानी मत बोलना क्योंकि वो सत्तानी के नाम के लायक भी नहीं है, लेकिन वो बहुत रुबाब से बोलता था ना, 1 2 3 कर दूंगा मैं, मर दूँ मैं क्या, मैं तो भैया कर दे 1 2 3 कर दे, मैं रेडी हूँ 1 2 3 लेने के लिए, ठीक है। और मैंने पहले ये उसको समझाने के लिए या फिर उसको थोड़ा डराने के लिए, ताकि रिश्ते टूटे नहीं, इसीलिए मैं उसको हमेशा ये चीज़ करती थी कि मैं नहीं अलग होंगी, मैं नहीं अलग होना चाहती हूँ, तो उसको उसने कुछ अलग वे में ले लिया। तो और जो एक एक चिल्लर से लड़के लोगों के साथ में बैठ के, इतनी बड़ी एज उसकी है और उसकी वाइफ की इतनी बड़ी एज है, वो लेके अगर वो मजाक करता है तो कि उससे घटिया इंसान कोई हो सकता है क्या दुनिया में। आपने देखा ही होगा दूसरे चैनल्स पे जो चैटिंग आई है, जो मेरी जो लहजे में मेरी बात करी हो, तो उसके बीच में आपको हंसने की जो आवाज़ें आ रही होगी, जो उसके साथ टपोरियाँ बैठते हैं, तो इतनी बड़ी एज में उसको अपनी वो नहीं है। तो मैं समझ गई कि मेरी इज्जत ख़राब करना हो तो मैं उसके मुंह लगूं, और मैं कहीं ना कहीं जो मेरी चाहत थी और मेरे जो रिश्ते निभाने की जो क्या बोलते वो थी क्या प्योरिटी, उस पर मैं कभी भी उससे अलग होना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो रिश्ते को भी नहीं तोड़ना चाहती थी। और शायद मैं अयूब से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो प्यार को खोना नहीं चाहती थी, पर वो लायक नहीं है, उस लायक नहीं हूँ। सब चीज़ गवारा है, जो अपनी औरत और जो एक अपनी तो छोड़ो, एक औरत की इज्जत करना नहीं जानता, वो इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। और इतने गंदे लफ्ज़ों में, इतनी गंदी कड़ी गालियों के साथ अगर एक फ़ोन पे वो बोल चैटिंग कर सकता है, वो चैटिंग वायरल करवा सकता है, तो उससे थर्ड ग्रेड पर्सन कोई नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग